छठवां राउंड, छठवां राउंड कहां से शुरू होगा? भालू, एफ टीम भालू से छठवां राउंड। बोलो बोलो मैं हूं कौन, यह राउंड पास राउंड है। सही जवाब पे 40 अंक, गलत पर -20। इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी गलत जवाब की। पास बोलने में बात की टीम को बोनस के 20 अंक, और अगर वो गलत देते हैं तो -10। ठीक है, कम समय में चुकी समय तेजी से निकल रहा है। टीम एफ भालू के लिए 40 अंक झपटने का मौका ये रहा स्क्रीन पर। मैं किला हूँ, मुझे 16वीं शताब्दी में कौन नरेश, राजा नरेश शाह ने बनवाया था? शाहबुर्ज, सतखंडा महल, राजराजेश्वरी मंदिर। मेरे शोभा में 4 चांद लगाते हैं। नर्मदा नदी के किनारे स्थित हूँ मैं, मेरा नाम बताओ। किले का नाम बताना है, इस बात को ध्यान रखना। सही जवाब 40 अंक, गलत जवाब -20। दतिया का किला, दतिया का किला जवाब ये रहा स्क्रीन पर, मंडला का किला। 20 अंक मिलते मगर गलत जवाब पे -10। सर -10 होंगे, स्कोर ध्यान रखें। मैं किला हूँ, मुझे 18वीं शताब्दी में भदावन राज्य के शासक गोपाल सिंह भदौरिया ने बनवाया था। मेरे परिसर में भिंडी ऋषि तथा शिव मंदिर शोभायमान है। वर्तमान में मेरे दरबार हाल में पुरातत्व संग्रहालय तथा एक भाग में कन्या महाविद्यालय संचालित है, मेरा नाम बताओ। किले का नाम ही बताना है। टीम मोगली, सबलगढ़ का किला, सबलगढ़ का किला। कंप्यूटर जी, भिंड का किला। -20 हो रहा है यहाँ पर। सर यहाँ पे मुख्य प्रश्न है, इसलिए -20 होंगे। बी शेर खान के लिए, मैं एक महल हूँ, मेरा निर्माण ओरछा के महाराज वीर सिंह ने दतिया में कराया था। मेरे वास्तुकला राजपूत शैली की है। मेरे एक भाग को मुंडा महल कहते हैं जो अधूरा पड़ा है, मेरा नाम बताओ। 30 सेकेंड, 2 लाइफ लाइन। सतखंडा महल लॉक करें। कंप्यूटर जी, सतखंडा महल बिल्कुल सही जवाब। 40 अंक, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से शेर खान बादशाह बनाते हुए समय। और अगला प्रश्न बघीरा के लिए, जिन्होंने इतिहास बनाया है सिंधी के लिए। 40 अंकों के इतिहास को अपनी तरफ मोड़ेंगे। सीत नदी के किनारे स्थित मैं एक महल हूँ, मेरे सामने स्थित बाग मुगल शैली के स्थानीय स्वरूप का नमूना है। मेरी नक्काशीदार और घुमावदार छतें राजपूत शैली का प्रभाव दिखाती हैं। मेरा दीवाने आम दरबार सिंधिया शैली का प्रतिनिधित्व करता है, मेरा नाम बताओ। ये एक महल का नाम पूछ रहे हैं, महल का नाम। नरसिंहगढ़ महल आप करें। कंप्यूटर जी, नरसिंहगढ़ महल ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब है। 40 अंक के साथ टीम सी को 40 अंक प्राप्त होते हुए। पांचवें प्रश्न के लिए, टीम अकड़ू के लिए पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर ही। मैं एक महल हूँ, मेरा निर्माण मल्हार राव होलकर द्वारा शहर के मध्य में करवाया गया था। मेरे अंदर कुल देवता का मंदिर होलकर की गद्दी है, समीप ही बद्रीनाथ का मंदिर भी है। मेरे वास्तुकला फ्रेंच, मराठा और मुगल शैली का मिश्रित उदाहरण है, मेरा नाम बताइए। सही जवाब 40 अंक, गलत जवाब 20 अंक नीचे ले आएंगे। इसमें आप पास भी कर सकते हैं, लाइफ लाइन भी आप ले सकते हैं। लाइफलाइन में नहीं, इसमें दो जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जवाब होना चाहिए। 4 जवाब होते तो उसमें से आप 2 जवाब दे देते। दूसरी लाइफलाइन की तरफ जा सकते हैं या 5 की तरफ जा सकते हैं। राजवाड़ा इंदौर, कंप्यूटर जी सही है, चूना राजवाड़ा इंदौर सही जवाब है। तो बहुत अच्छे स्कूल को पकड़े हुए हैं। पहले साल आगे ही आपने चमक और प्रभाव छोड़ा, और इस प्रभाव को और बढ़ा सकते हैं आप इन 40 अंकों के साथ। प्रश्न आपका रहा ये, मैं ओरछा में स्थित एक महल हूँ,
मेरा निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा मधुकर शाह ने करवाया था। मैं सुंदर भित्ति चित्र और धर्म ग्रंथों से जुड़ी तस्वीरों के लिए प्रसिद्ध हूँ। मेरा नाम बताइए। सही जवाब 40 आए। लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, शिक्षक की शरण में ये भी जाना चाहते हैं। कौन शिक्षक मदद करना चाहेंगे? अभी देख के ऐसा लगता है ओरछा कंप्यूटर जी क्या सही है? राजमहल ओरछा, ठीक है वही राम मंदिर और राजमहल जी। 40 अंक मिले हैं, पहनने को मिली है, पहना ही नहीं है मैडम का कहना है। जोरदार तालियां मैडम, एक बार मैडम दोनों हमारे से। आपने राजा मतलब राजा राम मंदिर ओरछा आपने बताया है। इनका कहना ये है कि राजमहल जो इसमें दिखाया गया है और राम मंदिर जो राजा राम मंदिर जो है रामलला का मंदिर, दोनों अलग अलग है। टीम सी का कहना यह है कि उसमें किसी प्रकार का कोई संग्रहालय या भित्ति चित्र उस मंदिर में नहीं है। तो जो एक्सपर्ट हमारे साथ में हमारे बीच में है, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि ये तीन टीमें सही कह रही हैं। आपके द्वारा जो जवाब बताया गया है वह जवाब सही नहीं है। राजा राम मंदिर और राजा राम महल अलग अलग है। राजमहल राजा राम मंदिर में संग्रहालय नहीं, कोई बात नहीं, ये आप वो वापस नहीं होगा, वो आप रखिए, कोई बात नहीं। पकड़ो -20 इसी के साथ ये छठवां राउंड समाप्त। और दर्शकों के लिए दो प्रश्न, पहले स्कोर हमारा स्कोर जब तक तैयार हो रहे हैं प्रश्न लाए शैन भाई। मैं गुंज तालाब और कपूर तालाब के बीच स्थित एक महल हूँ। मेरे जल परिवहन प्रणाली पर फव्वारे पर्यटकों को आनंदित कर देते हैं। मेरे आकृति तैरते हुए जहाज जैसी दिखती है। मेरे पड़ोस में तबेली महल भी है। मेरा नाम बताओ, मेरा नाम बताओ। जहाज महल मांडू। मैं एक किला हूँ। 15वीं शताब्दी में घोड़ राजा कल्पक शाह अपनी रानी दुर्गावती के साथ मेरे यहाँ निवास करते थे। मध्यकालीन मध्य प्रदेश में सामूहिक दृष्टि से मेरा बहुत महत्व था। मेरा नाम बताओ। रामनगर का किला। रामनगर किला, ये किसी को पता था क्या? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। नहीं पता था।